हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम दो तरह के कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हैव टू हैव, हैज टू हैव एंड हैड टू हैव। मीन्स हैव टू के बाद हैव आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, हैज टू के बाद हैव आएगा तो उसका क्या अर्थ होगा, और हैड टू के बाद हैव आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा। आपने सुना होगा कई बार, बोलने वालों को, इंग्लिश बोलने वालों को, या इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। हालांकि आप अच्छी तरह से इस सेंटेंस से निकलने वाले अर्थ को जानते हैं और आप बोलते भी होंगे और उसका फॉर्मुलेशन भी आपको पता होगा कि उस सेंटेंस को हम बनाते कैसे। बट इसमें थोड़ा अलग होने से, नयापन होने से, इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन थोड़ा अलग होने से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आई हैव टू गो, जो आप पढ़ चुके हैं, हैज़ टू हैव टू वाले में, मुझे जाना है, खाना है, मुझे जाना पड़ता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं आई हैव गॉट टू गो, या हम आई गॉट टू गो भी बोल सकते हैं। तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो आज हमें दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं और उससे बना हुआ सेंटेंस हम देखते हैं और समझते हैं, ओके फ्रेंड्स। ही हैज़ टू हैव ग्रामर बुक। अभी आप बोलेंगे कि ही हैज़ टू के बाद हमने वर्ब पढ़ा था कि वर्ब आता है, फिर इसमें ही हैज़ टू के बाद हैव आता है। अगर हम हैव को वर्ब की तरह लेते हैं तो अर्थ कुछ अलग हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पर हम हैव को वर्ब की तरह नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है, अगर इस तरह का सेंटेंस आप कहीं भी बना हुआ देखेंगे, ही हैज़ टू हैव ग्रामर बुक, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसके पास ग्रामर की किताब होनी ही चाहिए, उसके पास ग्रामर की बुक होनी ही चाहिए या ज़रूर होनी चाहिए। आपने शुड मस्ट में पढ़ा होगा कि मस्ट लगाते हैं तो ज़रूर चाहिए वाला आता है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ही मस्ट हैव ग्रामर बुक, ही मस्ट हैव ग्रामर बुक, उसके पास ग्रामर की किताब होनी ही चाहिए या ज़रूर होनी चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। ही हैज़ टू हैव ग्रामर बुक, उसके पास ग्रामर की किताब होनी ही चाहिए, ओके फ्रेंड्स। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप या तो ऐसे बोलो या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही मस्ट हैव ग्रामर बुक, उसके पास ग्रामर की बुक ज़रूर होनी चाहिए, ओके फ्रेंड्स। बट बोलने वाले आजकल ज़्यादातर ऐसे यूज़ होता है। अगर कहीं आप न्यूज़पेपर में लिखा हुआ देखें या किसी इंग्लिश बोलने वाले को बोलते हुए सुने, तो आप समझ जाना कि ये वही चीज़ है, ओके फ्रेंड्स। They have to have computer knowledge. उनके पास या उन लोगों के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि they must have computer knowledge. उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। आप या तो मस्ट लगाकर बोलो या हैव टू हैव लगाकर बोलो, ओके फ्रेंड्स। बस आपको ये सीखना है, ये समझना है कि दे हैव टू हैव कंप्यूटर नॉलेज, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, ओके फ्रेंड्स। अभी तीसरा है हैड वाला, यू हैड टू हैव योर ऑन सर्टिफिकेट। यहाँ पे हैड हो गया, यानी हैव हैज़ का पास्ट हो गया हैड, यानी कि अगर हम हैड टू खाली बोलते हैं तो ये जाना था, खाना था, ना था वाला, या करना पड़ता था, या पढ़ा, इस तरह का आता है। लेकिन इसमें आएगा थाते थी सिर्फ, कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, यानी तुम्हारा अपना सर्टिफिकेट, कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सर्टिफिकेट होना ही चाहिए था, ओके फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू मस्ट हैव हैड योर सर्टिफिकेट, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर हम मस्ट हैव लगाएंगे तो उसमें भी हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास होना चाहिए था, था आ गया, इसलिए वहाँ पर हैड लगेगा। तो यू मस्ट हैव हैड योर ओन सर्टिफिकेट, या यू हैड टू हैव योर ओन सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास अपना सर्टिफिकेट होना ही चाहिए था, ओके फ्रेंड्स। अभी है वन हैज़ टू हैव गुड मैनर्स, सभी लोगों के पास गुड मैनर्स होना ही चाहिए। यहाँ पर अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे एवरीबॉडी तो लिखा नहीं है, तो वो सभी लोग कहाँ से आ गया, ये वन हैज़ टू हैव गुड मैनर्स। जैसा कि शुड मस्ट, वन शुड नॉट कट ट्री, पेड़ को नहीं काटना चाहिए,
इसमें हम सभी लोग छुपा हुआ रहता है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ऐसी बात जो सभी लोगों पर लागू होता है, ऐसी बात जो सभी लोगों पर लागू होता है उसके लिए हम वंस लगाते हैं, वन लगाते हैं जब उसमें कोई सब्जेक्ट ना दिया हो। जैसे अगर यहाँ पर दिया रहता कि यू ही सी वी दे तो फिर वन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ पर वन एक ही शर्त पर लगेगा कि वहाँ पर सब्जेक्ट ना दिया हो। जैसे मैंने बोला दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, किसको पीना चाहिए, ये सभी लोगों पर बात लागू होती है, सभी लोगों को दूध पीनी चाहिए, तो वन मस्ट ड्रिंक मिल्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वन का लिखने का मतलब सभी लोग हो गया, वन हैज टू हैव गुड मैनर्स। ओके फ्रेंड्स, सभी लोगों के पास गुड मैनर्स होने ही चाहिए। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हैव टू हैव टू गो। ओके, आई हैव टू टेक एग्जाम, इसका मतलब क्या होता है, मुझे एग्ज़ाम देनी है या मुझे एग्ज़ाम देनी पड़ती है या मुझे एग्ज़ाम देना होता है, ये तीनों मतलब होता है इसका। ओके फ्रेंड्स, ये हिंदी में तीन तरह से मैंने बोला, हिंदी में तीन तरह से बट इंग्लिश में एक तरह से बना यहाँ पर कि आई हैव टू टेक एग्ज़ाम। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम अगर ऐसे बोलें कि आई हैव गॉट टू टेक एग्ज़ाम तो भी इसका मतलब यही होगा, और इसको अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आई गॉट टू टेक एग्ज़ाम तो इसका मतलब भी यही होगा, यानी तीनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई गॉट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही हैज टू टॉक टू हिम, उसे उससे बात करनी है या उसे उससे बात करनी पड़ती है या उसे उससे बात करनी होती है। अगर हैज टू हैव टू के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप हैज टू हैव टू वाला जाकर वीडियो देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट में स्टेप वन या स्टेप टू में मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज टू टॉक टू हिम, उसे उससे बात करनी है, ही हैज गॉट टू टॉक टू हिम, उसे उससे बात करनी है या करनी पड़ती है, ही गॉट टू टॉक टू हिम, उसे उससे बात करनी है या करनी पड़ती है, इन तीनों का मतलब एक ही होगा कि उसे बात करनी है या उसे बात करनी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा दो कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि इन दोनों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल होने के बाद सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोज़ हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है।